ओके एक्चुअली नो आई वरी, वाज जस्ट आस्किंग यू. ओके ओके नो वरी, या सो दिस थैंक इज द रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू सेव, ओके सो नो वरी, आई विल सेंड बोथ द रिकॉर्डिंग, दिस वन एंड सो दिस इज द मेटालिंक पेज वेयर वी रेज द एसआर, दिस इज द सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है. तो सपोज एलजी का है, एलजी के पास जो लाइसेंस होगा वही यूजर्स को अप्रूव करेगा, ऐसा नहीं आप अकाउंट बना लिए तो आप मेटालिंक पे नहीं. आप एलजी के अगर सपोज इम्प्लीमेंट करने गए हो तो आप पांच लोग हो, पांच आप कंसल्टेंट हो, तो आपको मेटालिंक का एक्सेस देने के लिए आप अकाउंट बनाओगे, एलजी को जो उनका आईटी आईटी हेड होगा उसको दोगे, वो अप्रूव कर देगा, नाउ यू कैन यूज दैट. जैसे मैंने देखो पैनासोनिक में लगाया था तो मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ, फिर वहां पैनासोनिक वालों ने मेरा अप्रूव किया, राइट. तो फिर जाके मेरा अकाउंट बना था. ऐसे मैंने सपोज मैं डिलाइट में हूँ तो डिलाइट में मेरा जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ वहां का मेरा अलग मेटालिंक का बना है, राइट. देखो पूरा अकाउंट बनता है, फिर वो अप्रूव करते हैं. एक इनका वो रहता है, ये देखो ये सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, देखो ऑर्गेनाइजेशन पैनासोनिक अप्रूव रिक्वेस्ट जस्ट अप्रूव क्रिएट एसआर अटैचमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ. क्या क्या मैं कर सकता हूँ, सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, एसआर अटैचमेंट डाउनलोड कर सकता हूँ, पैचेस डाउनलोड कर सकता हूँ, ये सब चीजें. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी जाके लॉग इन कर ले, जब तक आपका अकाउंट नहीं बना होगा. अकाउंट कैसे बनेगा, जब तक वो जिसने लाइसेंस लिया है वो आपको अप्रूवल एक्सेस नहीं देगा तब तक आपको आप इस पे जाके नहीं. अब सपोज मुझे कुछ फाइंड करना है, सपोज मुझे ये एरर आ रहा था, क्या आ रहा था, मैं वही दिखाना चाह रहा था. अब ये तो इसने पूरा वो कर दिया, बाउंस बैक कर दिया, तो ये अभी बंदी हो गया, ठीक है. अब सपोज मुझे कुछ इसमें देखना है, मैं बताता हूँ आपको, ये अभी नहीं चलेगा, इसमें आधे घंटे बाद ही करना, ठीक है का? इसको मैं बंदी कर देता हूँ. अब सपोज मुझे यहाँ पे कुछ फाइंड करना है, तो मुझे मैंने कहा कि कुछ मुझे एरर आ रहा, पीओ क्रिएशन क्रिएशन सपोज आइटम आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मुझे डॉक्यूमेंट देखना है या कुछ एरर आ रहा है, अब यहाँ मैं एरर डालूंगा तुरंत मैं फाइंड कर लूंगा, तो कुछ ना कुछ ब्लॉक मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके मैं डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो डॉक आईडी रहता है, वहां पे जाके मैं पढ़ के उसको समझ के चीजें को फिक्स कर सकता हूँ. दिस इज द बेस्ट सपोर्ट आप समझने के लिए. आप रियल सिनेरियो में बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो आप कैसे करते हो, सपोज ये हाउ टू यूज सिंगल आइटम, जैसे मैंने आइटम डाला मास्टर तो इतने सारे जितने डॉक आईडी डले और एक करके वो आ गए. अब मैं इसको पढ़ूंगा, जो मेरे रिलेवेंट होगा मुझे समझ में आ जाएगा, मैं उसी को खोलूंगा, जो मेरा रिलेवेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा उसमें मेरा एरर का पूरा नेविगेशन पाथ आज सब लिख. जैसे देखो एक ये हाउ टू यूज सिंगल आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द मल्टीपल बिजनेस ग्रुप, ठीक है. अब इसमें देखो ओरेकल ई बिजनेस सूट, ऐसा नहीं कि आप ओरेकल क्लाउड का फाइंड कर रहे हो, ई बिजनेस सूट में इशू आ रहा है तो ओरेकल ई बिजनेस सूट का ही देखो नेविगेशन पाथ लिखा है, ओरेकल ई बिजनेस सूट लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक ओरेकल इन्वेंटरी मैनेज. तो जो आपके रिलेवेंट हो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से फाइंड करके और जा सकते हो, जैसे आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन. अब सपोज मैंने इस पे डाला, ये एक डॉक आईडी खोलता हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जब आप रियल सिनेरियो में जाओगे तो आप ये नहीं सोचो कि हमको बहुत सारे हमारे पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, आप हमारे पास ये नहीं मिलेगा, लोग भी मिलते हैं, मेटा लिंक भी रहता है, सब कुछ चीजें होती हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 24/7 सपोर्ट मिलता है ओरेकल सपोर्ट में. कुछ आप इश्यूज फेस कर रहे हो तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप ओरेकल से हेल्प ले सकते हो, ठीक है. ऐसा रिस्क देखो इसमें कोई कम्युनिटी में इन्होंने कुछ डाल रखा है वो है, मैं डॉक आईडी आपको खोल के दिखाता हूँ, दिस इज नॉट डॉक आईडी, सॉरी माय बैड. ये देखो डॉक आईडी ये होती है, जो ये नंबर लिखा है ना डॉक आईडी, ये सब डॉक आईडी है. डॉक आईडी मतलब कुछ ना कुछ आर्टिकल वो डॉक आईडी बना रखा है, इसमें जो पहले जिसका सॉल्यूशन मिल रखा है वो सब डॉक आईडी बना के ओरेकल लगता है. सपोज मैंने ये वाला खोला डॉक आईडी. अब देखो हाउ टू यूज सिंगल आइटम मास्टर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द मल्टीपल बिजनेस ग्रुप्स, डॉक आईडी नंबर ये दिस है. देखो पूरा इसमें पूरा एक एक चीज लिखा है, ओरेकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट वर्जन 12.0.6 एंड लेटर ऑल्सो. जैसे हम लोग 12.1.3 पे 12. अपना वर्जन कौन सा है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं दीपक, उज्ज्वल दीपक करणवीर कौन सा वर्जन है जिसपे 12.1.2, ठीक है. तो ये 12.0.6 से लेके आगे तक जितने भी वर्जन है सब में एप्लीकेबल है, लिखा है ना. तो इसका मतलब ये हुआ इन्फॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट अप्लाइज टू एनी प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ से लेके जो लास्ट तक के जो भी वर्जन है
में गोल क्या है, आफ्टर क्रिएटिंग द न्यू बिजनेस ग्रुप लीगल एंटिटी ऑपरेटिंग यूनिट ट्राइंग टू क्रिएट, ये क्या इशू है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखो इन्होंने लिख रखा है, द इशू वाज सॉल्व बाय द अटैचिंग ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोफाइल डिफाइंड फॉर न्यू बिजनेस ग्रुप एंड कॉमन आइटम मास्टर टू। ये आप प्रोफाइल ऑप्शन सेट कर दोगे तो ये इशू फिक्स हो जाएगा। ये इशूज जो डॉक आईडी रहते हैं वो इशूज फिक्स जो सॉल्व हो चुके हैं अर्लियर में, क्योंकि ओरेकल तो बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत इशूज आते हैं राइट। तो ओरेकल सपोर्ट क्या करता है, डॉक आईडी बना बना के रखता जाता है, तो आपको एसआर रेज नहीं करना पड़ेगा। या ये काम क्या करता है, डॉक आईडी क्या करता है, इट रिड्यूसेस द क्रिएशन द एसआर। नहीं तो हर आदमी तुरंत सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर देगा, ओरेकल तो परेशान हो जाएगा राइट। इसीलिए डॉक आईडी बना के रखता है कि जो जो इश्यूज आते हैं, जो जो कॉमन इश्यूज होते हैं, उनकी सबकी डॉक आईडी बनी है। आप जाओ डॉक आईडी पढ़ो और उसका सॉल्यूशन देखो और जाके अपने सिस्टम में करके टेस्ट कर लो, ऐसा नहीं। और याद रखना, कभी भी हम लोग प्रोडक्शन इंस्टेंस में टेस्ट नहीं करते हैं, लोअर इंस्टेंस जो होते हैं मेरे SIT UAT CRP तुम्हारा CRP डेप कॉन्फ़िगरेशन, ये जितने लोअर इंस्टेंस होते हैं पहले हम उस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन दिया लोअर इंस्टेंस में टेस्ट कर एप्लीकेबल करते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब फिर अपने टेक्निकल वाले से बोल के वो कोड हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करा देते हैं, ठीक है। या फंक्शनल कुछ सेटअप चेंज करना है जो बहुत बड़ा चेंज नहीं है तो हम फिर प्रोडक्शन में तब करते हैं, जब हम यहाँ पे पूरा सेटअप करके टेस्टिंग करके क्लाइंट को रिव्यू करा के इंटरनल रिव्यू क्लाइंट रिव्यू ओके करने के बाद मेल पे कंफर्मेशन लेने के बाद तब हम जाके प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग निखिल? ऐसे ही होता है ना सर? जी जी बिल्कुल सही है ना, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो करणवीर दीपक एंड उज्जवल ऐसे ही चीजें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आप ये अपने मन से निकाल दो कि आप जाओगे तो आपको पास कुछ नहीं रहेगा, आशीष सर नहीं रहेंगे, ओरेकल सपोर्ट रहेगा, हम रहे या ना रहे ओरेकल सपोर्ट रहेगा, आप रहो या ना रहो ओरेकल सपोर्ट रहेगा। आपका नंबर रहेगा फोन नहीं, मतलब ये सब चीजें रहेंगी तो आप क्या है, और धीरे धीरे वो जब, तो जब आप रहोगे सर यहाँ पे मतलब एक वीकली एक दिन इसका कॉल भी रहता है ना एसआर के डिस्कशन के लिए? नहीं नहीं वो मैं क्या रहता है मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड होता है। जैसे सपोज पैनासोनिक क्लाइंट है, ठीक है मेरा, तो पैनासोनिक का जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो ओरेकल से, अब मैंने सपोज ओरेकल से मैंने 5 करोड़ का लाइसेंस लिया है, ठीक है, 5 करोड़ में से मेरा 1 करोड़ का AMC है साल का, AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, दैट इज ओरेकल सपोर्ट करेगा 24/7, वट एवर द इशूज विल बी देयर ओरेकल विल हेल्प, ठीक है, टेक केयर बाय दस। तो अब मेरा पैनासोनिक का सपोज बिजनेस मेरा 5 कंट्रीज में, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए 5-6 करोड़ कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है, तो उसको 24 घंटे सपोर्ट कर। अब देखो क्या हुआ, अब जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोज ENY वहां पे इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, ENY इम्प्लीमेंट किया तो उसका पीसेस वाइज होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, फिर कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब डेव कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर SIT कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर तुम्हारा UAT कॉन्फ़िगरेशन होगा, तीन तीन इंस्टेंस में लोअर इंस्टेंस में हम कॉन्फ़िगरेशन करके फिर प्रोडक्शन में जाते हैं राइट, कि जितनी भी गलतियां हैं सब इनमें होती जाए, फिक्स करते हैं, प्रोडक्शन में कुछ नहीं हमें टेस्ट करना है, वहां पे बिल्कुल टॉपम टॉप चलना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको जो स्टार्टिंग से ही चैलेंजेस आने लगेंगे, जब आप डेफ कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे कभी कोई फॉर्म नहीं चल रहा राइट, कभी कुछ इशू आ रहा, तो जब तक आपके पास ओरेकल का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब वीकली कॉल की बात करते हैं, सपोज मेरा मेरे जो इश्यूज आ रहे हैं उनका वॉल्यूम बढ़ गया राइट, अब क्लाइंट भी परेशान होने लगा क्योंकि क्लाइंट के साथ मिलके ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी टीम होगी और एक क्लाइंट की टीम होगी, आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, नीचे कंसल्टेंट होंगे, ठीक है, हर मॉड्यूल के, ऐसे ही IT का वहां पे जो स्टेक होल्डर होगा वो होगा प्रोजेक्ट मैनेजर उस तरफ से, और उसकी टीम होगी 2-4 बंदे 5 बंदे, ठीक है। तो उन दोनों का डेली कॉल होता है, डेली स्टैंडअप कॉल होगा स्टार्टिंग से। तो सपोज मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा भाई बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, मेरी बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट पेंडिंग है और आप भाई हेल्प करिए, तो वो कहेगा कि ठीक है मैं ओरेकल से बात करके वीकली सेटअप कॉल्स करा देता हूँ, ठीक है। तो ओरेकल का जो मेरा अकाउंट मैनेजर कौन रहेगा, अकाउंट मैनेजर मतलब ये लोग जो बोलिए अभी जो ये लोग जो मीटिंग लेते हैं ओरेकल के साथ, तो ये शायद से वेनसडे आफ्टरनून में रहता है,
अरे वो तो देखो तो यार ये कॉमन सी बात कैसा है, हो रहता है, मतलब कैसे ओरेकल टीम रहती है क्या वो? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ निखिल। उसपे क्या रहता है, जैसे मैं तुमसे बता रहा हूँ भाई, मैंने अपने आपका जो पैनासोनिक का प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैंने कहा सर बहुत सारी मेरी 20-20 हज़ार चल रही है, मेरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्पैक्ट हो रहा है, करेक्ट, मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं ओरेकल फॉर्म पे, राइट। तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर पैनासोनिक का होगा, वो क्या कहेगा, ठीक है सर मैं अपने अकाउंट मैनेजर से बात करता हूँ और ओरेकल का एक वीकली कॉल हम सेटअप कर देते हैं, या वीकली कॉल या 3 वीक में 2 दिन कॉल, ठीक है। तो मेरा जो वहां का ओरेकल का अकाउंट मैनेजर होगा अच्छा पैनासोनिक वाला बात करेगा, वो क्या कर देगा, वो अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम दे देगा कि सर हम 3 दिन में हर तीसरे दिन कर लेंगे या वीकली कर लेंगे, तो वो टाइम दे देगा, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग ईवाई या जो इम्प्लीमेंट कर रहा है और ओरेकल और वो पैनासोनिक वाले तीनों कॉल सेटअप रहेंगे, और वो जो जो एसआर होगा होगा उसी को ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। सपोज मेरी 20 SR है तो 20 पे ही डिस्कशन होगा, भाई ये कब फिक्स करोगे, ये कब फिक्स होगा, किस पे डिपेंडेंसी है, ओरेकल पे डिपेंडेंसी है, ओरेकल के इंजीनियर पे डिपेंडेंसी है, तो उसको एस्केलेट करेगा, ठीक है, वो इंटरनली। हमारे पे डिपेंडेंसी, हमने कोई सपोज एविडेंस नहीं दिया, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया, राइट, उसने कुछ डेटा मांगा ओरेकल ने, मैं वो नहीं दे रहा, तो मेरे मेरी क्लास लगाई जाएगी, राइट। और सपोज ओरेकल रिप्लाई नहीं कर रहा है तो पैनासोनिक वाले की क्लास लगाई जाएगी कि भाई ओरेकल क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा, आप फॉलो अप करो, तो सबकी क्लास लगती है स्टैंड अप कॉल पे, करेक्ट। राइट। क्यों? क्योंकि जो एसआर का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट जब भी हम करते हैं, करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं एक को बता भी रहा था शाम, देखो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हर एक फेसेस रहता है, फेस वाइज, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, फेस फोर, फेस फाइव। फेस वन में सपोज मेरा पूरा यस रिक्वायरमेंट कैप्चर होगा, फेस टू में मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा फाइनलाइज होगा, फेस थ्री में मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप शुरू हो जाएगा। सपोज फेस थ्री में मुझे डेव कॉन्फ़िगरेशन और एसआईटी कॉन्फ़िगरेशन खत्म करना है, फेस फाइव में मेरा क्या होगा, मेरा यूएटी कॉन्फ़िगरेशन होगा, और फेस सिक्स में मेरा गो लाइव होगा। तो ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। करेक्ट। अब हर स्टेजेस में आपको ओरेकल की हेल्प पड़ेगी, सर्विस रिक्वेस्ट एसआर रेज होगी, ठीक है, वहां ये से कोई कोई हाँ कम्युनिकेशन गैप होगा, तो फिर उसी के लिए ओरेकल सर क्लियर। हो गया हो गया। यस, सर वो आपने करी थी ना वो एचएसएन। हाँ ये क्या बोल रहे, क्या बोल, सॉरी मैं समझा नहीं, करणवीर क्या बोल रहे हैं आप? वो सर शायद अपने ऑफिस में हाँ किसी से बात कर रहा है ऐसा लग रहा अच्छा, करणवीर आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि तो आपका वॉल्यूम भी ब्रेक हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ऐसे ये किसी चीजें होती एचएसएन। हैं, अच्छा वो एचएसएन कोड वहाँ ऑफिस का बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसमें आई थिंक नहीं दे भेजा तो रहेगा एक्चुअली, फिर खाली न्यूट्री मैक्स ही रहने देते हैं, उसमें तो कोई इतना चैलेंज आएगा नहीं। अब स्पेयर पार्ट्स। करणवीर म्यूट कर दो आप, रुक जाओ मैं म्यूट कर देता हूँ करणवीर। आप एक काम करो ना, बाकी ये वाला हटा देते हैं, मैं बाकी हाँ स्पेयर पार्ट्स वाला भी कॉलम हटा देते हैं, बाकी मैं सिर्फ हेलो दीपक, कैन यू हियर मी? ठीक हाँ यस सर यस सर। है, मैंने म्यूट कर दिया, वो भूल गया था म्यूट करना। तो देखो ऐसी चीजें होती हैं और ऐसे ओरेकल सपोर्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी, जब भी जाओगे आपको सब एक्सेस मिलेगा, इसका पूरा अकाउंट बनेगा, तो जब भी जाओ किसी क्लाइंट क्या काम करो, अच्छे लोग समझ, तेज लोग कौन रहते हैं, मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले जैसे क्लाइंट क्या तुरंत बोल दो भाई 2-4-10 दिनों कि मेरा यार वो मेटालिंक का अकाउंट बनवा दो फटाक से, तो आप फटाक से जाओ, फटाक से मेटालिंक का अपना अकाउंट क्रिएट करो और वो अप्रूवल के लिए डाल दो, अपने बॉस से बोलो सर मेरा मेटालिंक में अकाउंट बना दो, मुझे देखना पड़ेगा चीजें, काफी इशूज आते हैं, कुछ आ रहे हैं, तो मैं कम से कम वहां से देख सकता हूँ। तो बॉस कहेगा यार अभी नहीं बना, तुम एक काम करो मेरा यूज कर लो, मेरा अकाउंट नंबर है, जैसे मैंने अपना दे दिया, मेरा जूनियर बोला, लेकिन सबको नहीं देख सकते क्योंकि भाई जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसी बंदे को दे सकते, राइट। तो अब अगर बॉस ने कहा एक काम कर, तू मेरा तो यूज कर, पैरेलली तू अपनी रिक्वेस्ट डाल दे, मैं क्लाइंट से बोल के अप्रूव करा दूंगा, तो तेरा अकाउंट एक्टिवेट हो, तो आप जाके सीधा वैसे कर लो अकाउंट बनाने के लिए, सीधा मेटालिंक उस ओरेकल सपोर्ट की साइट पे गए, क्रिएट अकाउंट कर दिया, और जो एसआई नंबर होता है, एसआई नंबर जो मैंने बताया था ना आपको, ये सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको क्लाइंट दे देगा, बस आप वहां पे एसआई नंबर डालोगे, रिक्वेस्ट वहीं सबमिट कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिक क्लाइंट के पास चली जाएगी, वो अप्रूव कर देगा। ये देखो ये दिख रहा है ना सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे ये पैनासोनिक का था, ऐसे ही आपको जो क्लाइंट होगा वो आपको दे देगा, और वो अप्रूव करने के बाद आप एक्सेस मिल जाएगा, यू कैन यूज दैट, ओके।
आई होप यू पीपल नो द, ये भी एक क्लास का पार्ट था मेटालिंक के बारे में, या कोई मेटालिंक बोले, कोई ओरेकल सपोर्ट बोलता है, ठीक है, सपोज कोई मेरी एसआर है उसका मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो रेड मतलब क्रिटिकल है, 72 मतलब वो है, सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ओरेकल को मैं फोन करके पूछूंगा उस इंजीनियर से, ठीक है, फिर भी कुछ वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इंजीनियर, तो मैं क्या करूंगा, एस्केलेट कर दूंगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक। तो ऐसे चीजें होती हैं, तो ये एक छोटी सी क्लास थी ओरेकल सपोर्ट की, हमने यूटिलाइज किया क्योंकि मेरा ओरेकल के फॉर्म में कुछ दिक्कत था, तो मैंने कहा चलो इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को आपसे कोई ओरेकल सपोर्ट या मेटालिंक की बात करता है तो आप कह सकते हो यस आई हैव वर्क ऑन द ओरेकल सपोर्ट मेटालिंक। इंटरव्यू में भी बोल सकते हो, इंटरव्यू बोले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, कह दो सर आई वॉज इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशंस राइट टेस्टिंग एंड एसआर इशूज, आई वॉज लुकिंग द एसआर सर्विस रिक्वेस्ट, कुछ इशूज आते थे तो मैं एसआर देखता था, एसआर का फॉलोअप लेता था राइट, इंजीनियर से फॉलोअप लेता था। अब देखो इसमें एक चीज और होती है मैं मिस कर रहा था, ओडब्ल्यूसी ओरेकल वेब कॉन्फ्रेंस, याद रखना कीप इन माइंड ओडब्ल्यूसी बहुत ही अच्छा वर्ड है और इंटरव्यू में बहुत इंप्रेस करता है इंटरव्यूअर को। आप सीधा ओडब्ल्यूसी होता क्या, ओरेकल वेब कॉन्फ्रेंस, जैसे हम लोग जूम कॉल कर रहे हैं ना, ओरेकल जूम कॉल करता है, आपको लिंक दे देता है और आप उस पे ज्वाइन करो और आप स्क्रीन शेयर करके उसको दिखाओ इशू, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ना, तो ओरेकल के साथ ओडब्ल्यूसी के लिए रिक्वेस्ट कर दो कि आई नीड टू प्लीज लेट मी नो द ओडब्ल्यूसी, प्लीज लेट मी नो अवेलेबिलिटी फॉर द ओडब्ल्यूसी फॉर दिस इशू बिकॉज इट्स ए बैकलॉग इशू और इट्स ए टू स्टॉपर इशू फॉर अस, लाइक दैट यू कैन मेंशन द रिक्वेस्ट फॉर दैट। ओके ओडब्ल्यूसी में क्या होगा, वो आपको जूम लिंक भेज देगा जैसे हम आपको भेजते हैं और आप उस पर कनेक्ट करो और स्क्रीन शेयर करके आप दिखाओ और वो डिस्कस करेगा इंजीनियर उसका। तो ये सब चीजें होती है, आप बता सकते हो इंटरव्यू के इंप्रेस करने के लिए, यस सर वी हैव वर्क ऑन द ओरेकल, समटाइम्स वी द रिस्पॉन्स टाइम इज डिले, देन वी रिक्वेस्ट फॉर द ओडब्ल्यूसी, देन वी डू द ओडब्ल्यूसी एंड शेयर द स्क्रीन एंड सो द वॉट एवर द इशू वी आर फेसिंग, देन दे सजेस्ट टू द these changes and analysis like that you can, मतलब एक impress करने के tips हैं, जैसे OWC word जरूर बोलो, जब भी आप SR का metalink का नाम लो तो OWC बोल के अपने आप को बेच के आना है। okay? अपने knowledge को जितना ज्यादा से ज्यादा बेच सकोगे उतनी ज्यादा grow करोगे, ये नहीं कि वो कुछ पूछ रहा है आप उतने ही बता रहे हैं, नहीं आपसे जितना पूछा है उससे ज्यादा ही बता के आना, दैट इज द स्ट्रेटजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, उसने मुझसे जरा सा पूछा है मैं उसको वो बताऊंगा जो जो मैंने पढ़ के आया हूँ, वो खुद सरप्राइज रह जाएगा यार, बंदे को तो बहुत आता है। ठीक है भाई, आज की क्लास हम इतना ही करते हैं क्योंकि सम नेटवर्क इशू उसमें है, कल सुबह 7:30 पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसका सेटअप देखेंगे, ठीक है। आई विल सेंड यू द बहुत वीडियो इसका मेटालिंक का और उसकी पहले वाले का जो कैलेंडर बनाया था, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दीपक एक काम आप करोगे, आपके लिए है, लोकेशन वाले फॉर्म पे अभी नहीं आधे घंटे बाद जाओगे, क्लिक करोगे ओपन हो जाता है, तो मुझे व्हाट्सएप में अपने जो ग्रुप है उसमें डाल देना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। अगर एरर आता है तो फिर एरर बता देना कि एरर आ रहा है, अगर ओके चल रहा है तो मुझे तुम अभी नहीं 10 बजे नियर अबाउट 10:30 के अबाउट चेक करना, ठीक है? एक बार लोकेशन वाले पे चले जाओगे ना, इन्वेंटरी पे जाके सेटअप्स पे जाके ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन क्लिक करोगे, अगर वो लोकेशन वाला खुलता है तो ओके, एरर आता है तो भी बता देना, ठीक है? चलो बाय, ठीक है, आई विल सेंड दिस वीडियो, ओके, चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू।